नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल। चैनल नंबर 10 पर हाजिर हैं हम अपना लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, जिसका आज विषय है सोशल साइंस। और हम आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पार्ट 1। बट बिफोर वी बिगिन दिस सेशन, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग G20, सो आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट इन द कंट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरलिज्म, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशंस फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल एंड इन डूइंग सो मैनिफेस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ वसुदेव कुटुम्बकम एंड द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इस संदेश के साथ हम अपना आज का ये सत्र शुरू करते हैं। हमारे साथ श्री सुशील कुमार जी हैं, आप PGT हिस्ट्री हैं, केंद्रीय विद्यालय आसनसोल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुशील जी नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। जी थैंक यू राहुल जी, और PM विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। साथ में चूंकि आज हम क्लास 10th का सेशन लेके आ रहे हैं जी, इसलिए क्लास 10th के सभी बच्चों को आगामी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, शुभकामनाओं की बहुत आवश्यकता है। और बहरहाल ये जो पार्ट है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आज इसका पार्ट 1 आप शुरू करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी एक ऐसा एक स्वप्न है भारत के लिए जिसमें हम जानते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें अचीव करनी है और उसमें धीरे धीरे कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाना है, तो कितना महत्वपूर्ण है आज का ये पार्ट। जी राहुल जी, जैसे कि आप देख सकते हैं आज के चैप्टर का टाइटल है लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी किसी भी देश की जीवन रेखा। सो निश्चित रूप से ये बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए ये समझना कि एक देश की इकोनॉमिक की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, व्हाट इज द लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। और आज के इस टॉपिक में, आज के इस सेशन में हम बच्चों को इससे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। आई विल ट्राई टू मेक ईज टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो शुड वी स्टार्ट? यस प्लीज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन टुडे एक्चुअली वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, देन वी विल सी different aspects of the transport, such as what are the means of transport, why do we need the transport, and what are the significance of the transport. Okay. इन सभी aspects को इस chapter में हमें discuss करना होता है. Then what is communication and how the communication and transport to interrelated to each other, and what are its significance for the national economy. Then we'll see a few certain topics about the international trade, and then at last we'll discuss about the tourism. So not all the topics will be covered in the today's session, so many topics will be covered in the later one. So today we'll start with the introduction and few topics of the transport. Okay. So when we talk about introduction, all we know, we human beings have several type of needs, several necessities. These necessities are in forms of different type of materials, different type of services. And all these services or the materials are not available in our immediate surroundings. So, कुछ चीजें हैं जो हमारे आसपास मौजूद होती है, while some other requirements we have to depend upon other persons or other places. So, जो चीजें हमारे पास आसानी से उपलब्ध है उसके लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीजें या जो सर्विसेज हमारे आसपास नहीं मौजूद है वो हमारे पास कैसे पहुंचती है। सो फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द लोकेशन ऑफ सप्लाई टू द प्लेस ऑफ डिमांड, जहां ये चीजें प्रिपेयर्ड होती है, जहां ये सर्विसेज अवेलेबल है, वहां से प्लेस ऑफ डिमांड जहां इनकी जरूरत है उन तक इन सामानों को या सर्विसेज को पहुंचाने के लिए हमें डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेरियस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी
गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट बहुत ही जरूरी होता है। राहुल जी, हम अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, अक्सर कहते हैं कि अगर हम रुक जाते हैं तो हमारा जीवन थम जाता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, एक लेक का या पोंड का पानी जो है कुछ दिनों के बाद उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है जी। लेकिन बहती नदी का पानी कभी भी बुरा स्मेल नहीं देता, क्योंकि उसमें लगातार मूवमेंट होता रहता है। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर इकोनॉमी टू। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में मूवमेंट नहीं होगा, अगर वहां वस्तुओं का, विचारों का, सर्विसेज का आदान प्रदान नहीं होगा, तो उस देश की अर्थव्यवस्था रुक सी जाएगी, कॉलेप्स सी हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी नीड वेरियस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो जैसे कि बताया कि किसी भी देश के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी होता है, और हमने देखा किसी देश के विकास के लिए फास्टर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं बहुत ही जरूरी होते हैं। और ये जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है अर्थ के तीनों मेजर डोमेन्स पे अवेलेबल है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो। तीनों डोमेन्स ऑफ अर्थ पे आज ट्रांसपोर्ट के सोर्सेस, ट्रांसपोर्ट के मींस डेवलप हो चुके हैं, जो लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। हम जानते हैं यहां से अमेरिका पहुंचना हो, हमें यूरोप पहुंचना हो, आज कुछ घंटों के समय अंतराल पे हम इन देशों की दूरियों को तय कर लेते हैं। और ये ग्लोबल विलेज इसीलिए हो पाया है कि आज हमारे पास फास्टर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं जी। हम अपने देश की ही बात कर लें, सच ए लार्ज कंट्री इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली सोशियो कल्चरली बट आल्सो इकोनॉमिकली। हाउ? Due to the vast network of transport and communication. आज जो हमारा देश भारत पूरी दुनिया से, चाहे हम socially बात करें, culturally बात करें, economically बात करें, पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। और ये क्यों संभव हो पाया है कि हमारे पास भी आज vast network of transport मौजूद है। कितना vast network of transport है इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं। हम बाद में भी इसको discuss करेंगे कि आज land transport की बात करें तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी लैंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, लैंड रोड नेटवर्क जो है भारत के पास अवेलेबल है। इसी से पता चलता है कि भारत ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कितना प्रोग्रेस कर चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो प्रगति है, उनका जो डेवलपमेंट है, उन्होंने भी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के एरिया को एक्सटेंड करने में, उनको एक्सपेंड करने में और दूर दराज तक पहुंचाने में साइंस और टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने फास्टर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हमारे सामने लाए हैं, जिसके कारण ही ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच सका है। मुझे याद है कि मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में थी, और जब भी कभी बर्फबारी हो जाता था तो जब मुझे छुट्टियों से घर वापस जब जा रहा होता था तो कई बार क्या होता था कि बर्फबारी, स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो जाता था, रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, और उस समय एयर ट्रांसपोर्ट जो है या तो बहुत ही एक्सपेंसिव था, जो मिडिल क्लास पीपल है उनके एक्सेस से बाहर हुआ जी, और जिसके कारण कई बार हमें इवन ड्यूटी ज्वाइन करने में भी टाइम लग जाता था, हमें अपनी छुट्टियां भी जोड़नी पड़ती थी, या कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। बट आज भी कई सारे मित्र हैं जो कश्मीर वैली में या नॉर्थ ईस्टर्न रीजंस में काम कर रहे हैं, और आज जो लेवल ऑफ इनकम है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट का जो फेयर है उनके एक्सेसिबल है। जब भी कभी रोड ब्लॉक हो जाता है तो आसानी से एयरवेज के द्वारा वो अपनी ड्यूटी को आसानी से रिज्यूम कर सकते हैं, लेते हैं, पहुंचाते हैं टाइमली। सो इसीलिए ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि ये जो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है या कम्युनिकेशन है वो क्या क्या है, और क्यों इसे लाइफ लाइन ऑफ मिशन कहा जाता है, किस तरीके से एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफ लाइन के रूप में काम करता है। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट का ट्रेड के ऊपर या टूरिज्म के ऊपर या भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी एक एक करके एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे।
So, बच्चों जैसे कि हमने बात की, जब हम बात करते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आपने देखा थ्री मेजर मीन्स है, लैंड, एयर एंड वाटर। इन तीनों एस्पेक्ट को तो हम समझेंगे ही, साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ा है और किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का ट्रेड पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस मुद्दे को भी हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम आगे जाके एक एक करके इन सभी ट्रांसपोर्ट के बारे में भी समझेंगे कि रेलवे का नेटवर्क हमारा क्या है, कैसा है, रेलवे की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेस रेलवे को फेस करना पड़ रहा है, रोडवेज का क्या सिग्निफिकेंस है, रोडवेज का क्या नेटवर्क है, कितने तरह के जो रोडवेज है, रोड लाइन्स है, ये भी हमारे देश में है विस्तार, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, पाइपलाइंस के भी सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एयरवेज में आप देखेंगे, एयरवेज में दो तरह के एयरवेज हैं, एक डोमेस्टिक सर्विसेज देती है यानी देश के डिफरेंट हिस्से को जोड़ती है आपस में, एक इंटरनेशनल एयरवेज जिसके द्वारा हम दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचते हैं। अब ये जो एयरवेज एयरलाइंस भी हैं, वो कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, कुछ प्राइवेट एयरलाइंस होती है। हालांकि अभी जो एकमात्र हमारे पास पब्लिक अंडरटेकिंग एयर इंडिया थी, कुछ दिनों पहले जो है उसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है और टाटा ग्रुप ने उन्हें परचेज कर लिया, तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ सारे प्राइवेट एयरलाइंस हैं। ओके, देन वाटरवेज की बात करें, दो तरह के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड एंड ओवरसीज। इनलैंड का मतलब क्या हुआ, देश के आंतरिक हिस्सों को जो वाटरवेज से जोड़ते हैं, दैट इज इनलैंड ट्रांसपोर्ट। ओवरसीज जिसके द्वारा हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हैं, वो आपको ओवरसीज ट्रांसपोर्ट है वाटर का। नाउ अब हम सिंगल एस्पेक्ट पे हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके, जैसे कि हमने बात की थी रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, देन रेलवेज, देन पाइपलाइन, सबके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रोडवेज, मैंने पहले भी चर्चा की थी, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग अबाउट 56 लाख किलोमीटर। आप देख सकते हैं भारत में सड़कों की लंबाई लेंथ लगभग 56 लाख किलोमीटर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रोड नेटवर्क के मामले में भारत, आफ्टर यूएसए। इससे भी बच्चों आप अनुमान लगा सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कितनी प्रगति की है। और निश्चित रूप से कई मामलों में रेलवेज बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे देश में रोडवेज को रेलवेज के ऊपर एज प्राप्त है। आज भी रोडवेज जो है उसको रेलवेज के ऊपर प्रायोरिटी मिली हुई है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे हमारे भारत का जो रिलीफ फीचर है, क्योंकि हमारा भारत देखते हैं डिफरेंट हिस्सों में रिलीफ फीचर जो लैंड टोपोग्राफी है अलग अलग है, बिल्कुल उन टोपोग्राफी पे उनका निर्माण करना, उनको मेंटेन कर पाना जो है रोडवेज में बहुत आसान होता है। इसलिए आज भी रोडवेज जो है रेलवेज के ऊपर एज रखता है इन इंडिया। भारत में जब हम रोडवेज की बात करें तो उनका क्लासिफिकेशन 6 पार्ट्स में हो चुका है, 6 तरह के रोडवेज है हमारे यहाँ। सबसे पहला आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, सेकेंड नेशनल हाईवे, थर्ड स्टेट हाईवे, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिफ्थ विलेज रोड एंड 6 बॉर्डर रोड्स। हम इन सभी रोड्स के बारे में भी संक्षेप में चर्चा करेंगे, जो इसके मेजर एस्पेक्ट्स है वो बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। पहले आप देख सकते हैं बच्चों, भारत का जो पूरा रोड नेटवर्क है, रोड नेटवर्क को एक मैप के द्वारा दिखाया गया है। आप देख सकते हैं गोल्डन लाइंस में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है उसको दिखाया गया है। देन ऑलमोस्ट इन पर्पल जो है हमारा जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, रेड लाइन में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नेशनल हाईवे भी दिखाया गया है। यानी इस मैप के द्वारा भारत के पूरे रोड नेटवर्क को एक जगह पे दिखाने की कोशिश की गई है।
Now, roadways का जो first part है, that is golden quadrilateral super highways. जब हम बात करें golden quadrilateral super highways की, तो इनके निर्माण की शुरुआत हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में की थी. उनका मकसद था भारत को रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में दुनिया के सबसे विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर दे. इसका दो मेन ऑब्जेक्टिव था, एक कम समय में जल्द से जल्द सामानों की डिलीवरी उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचाया जा सके, साथ ही साथ बीच में किसी भी तरह का ट्रैफिक और सिक्शन ना हो जिससे पेट्रोल का कंजर्वेशन भी किया जा सके. जी. जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की बात करें, इसका जो मुख्य मकसद था भारत के चार जो महानगर हैं, उन चारों महानगरों को एक साथ एक लिंक में जोड़ना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, जिसे सिक्स लेन सुपर हाईवे के द्वारा जोड़ा गया आपस में. और चूंकि ये जो जोड़ा गया है, इट इज लुकिंग लाइक ए क्वाड्रिलेटरल, that's why it is known as golden quadrilateral super highways. This super project has two corridors, one is north, second is east west corridor. South corridor ka jo point hai, northern point it is Srinagar and the southern point it is Kanyakumari, that means it connects Srinagar to Kanyakumari. Jab hum east west corridor ki baat karte hain to ye jo hai Assam mein Silchar ko गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है, करता है. देख सकते हैं आप यहाँ, जैसे कि भी मैंने बताया, ये चारों महानगरों को जब भारत के मैप में हम देखें तो ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक ए क्वाड्रिलेटर, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट कहा गया है. आप देख सकते हैं चारों महानगर इस मैप में किस तरीके से गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट के द्वारा आपस में जुड़े हुए. नेक्स्ट इज नेशनल हाईवे. नेशनल जो हाईवे हैं, बेसिकली भारत के सभी शहरों को, जो बड़े स्टेट के कैपिटल्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनको जोड़ने का काम करता है. और नेशनल हाईवे को मेंटेन करने का काम सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करती है. इसी तरह बात करते हैं स्टेट हाईवे की. स्टेट हाईवे का काम है एक राज्य के सभी प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ना, और इसको मेंटेन करने का काम राज्य की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करती है. डिस्ट्रिक्ट रोड्स बेसिकली जो है एक डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमुख शहर हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती है, और इसको मेंटेन करने का काम वहां की जिला परिषद करती है. देन विलेज रोड्स, एक शहर के अंदर जितने गांव हैं उनको आपस में जोड़ने का काम जो है, नेबरिंग टाउन सबको जोड़ने का काम जो है वो विलेज रोड करती है. फाइनली बॉर्डर रोड्स, हम देख रहे हैं सालों से, हम देखते हैं पहले की भी बात करें तो हमारे जो बॉर्डर के जो एरियाज होते थे वो देश के रेस्ट ऑफ द पार्ट से कनेक्ट नहीं हो पाते थे. कई बार विपरीत परिस्थितियों में उनका कनेक्शन भी देश के दूसरे हिस्सों से अलग हो जाता था. जी. इसी परिपेक्ष को ध्यान में रहते हुए बॉर्डर के रीजन में रोड्स को मेंटेन करने का काम किया गया है, और पिछले वर्षों में हमने काफी प्रगति भी की है. बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम और मेंटेन करने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो करती है. Now, significance of roadways. अब जैसा कि हमने देखा कि हमने रोडवेज के डिफरेंट एस्पेक्ट पे चर्चा की है, और इसलिए बहुत अहम रह जाता है कि इसके सिग्निफिकेंस को समझें. सो सबसे पहली बात है, अगर हम सिग्निफिकेंस में कहें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस. अगर हम बात करें, देख सकते हैं अगर रेलवे लाइंस को अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके लिए एरिया भी ज्यादा चाहिए होता है, इसके टर्मिनल्स बनाने हो, स्टेशंस बनाने हो, रेलवे लाइन बिछानी हो, उसके लिए बहुत ज्यादा एरिया की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसका कॉस्ट फैक्टर भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में और भी जो डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज होते हैं, उस पर्सपेक्टिव में भी बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रेलवे लाइंस इज मच हायर कंपेयर टू द रोडवेज. इसलिए भी भारत में रोडवेज ने और ज्यादा प्रगति की है. दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी टाइप ऑफ टोपोग्राफी. हमने अभी राहुल जी थोड़ी देर पहले भी बात किया था कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी डाइवर्स इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट
ऑफ द लाइफ, राइट, चाहे वो टोपोग्राफी की बात करें, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, हर एक मामले में भारत में डाइवर्सिटी है। भारत दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश हो जहां डेजर्ट से लेके प्लेन से लेके प्लेटूज, माउंटेन्स, आइलैंड, पेनिनसुलर पार्ट, एवरी टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स आर फाउंड इन इंडिया। अब आप सोच सकते हैं कि चाहे वो डेजर्टिक एरिया हो, अगर हम बात करें चाहे माउंटेनियस एरिया हो, ऐसे रग्ड रिलीफ्स में अगर रेलवे लाइन का विस्तार करना हो तो कितना मुश्किल हो सकता है। इट इज द रोडवेज ओनली विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड इजिली इन सच टाइप ऑफ टेरेन्स, रफ टेरेन्स। यही कारण है आप देखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है एयरवेज का विस्तार ज्यादा हुआ है या आपका विस्तार रोडवेज का हुआ है, वहां पे रेलवे लाइंस बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि उन क्षेत्रों में रेलवे को कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही कठिन काम है। नेक्स्ट, रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी इकोनॉमिकल इन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। इस बात को बच्चों आप समझिएगा क्योंकि ये एक तरीके से इसका सिग्निफिकेंस भी है और इसका एक लिमिटेशन भी है। रेलवे से करें तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करनी हो तो रोड ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत सस्ता या बजट होता है। क्यों होता है? क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम सीधा घर से निकलेंगे, दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, वहां हमें दूसरे मोड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसीलिए शॉर्ट जर्नी के लिए ये बहुत ही मुफीद होता है, बहुत ही सूटेबल होता है। नेक्स्ट, इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, thus the loading and unloading is much lower। जैसा कि आपने कुछ देर पहले हमारे एक पर्सनल बातचीत में भी कही थी विरावती कि जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्च भी बहुत मायने रखता है। कई जगहों पे अगर सामान की सप्लाई होती है, हर जगह लोडिंग अनलोडिंग का भी एक्सपेंसेस बढ़ रहा है जी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से खरीद क्षमता भी क्या होती है, कम हो जाती है, हमारी परचेसिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने के कारण ये जो खर्च है लोडिंग अनलोडिंग का क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, जो कोई भी दूसरा सर्विस हमें डोर टू डोर सर्विस नहीं दे सकता। चाहे वो आप रेलवे की बात कीजिए, चाहे वो एयरवेज की बात कीजिए, चाहे वो वाटर वेज की बात कीजिए, हम अपने दरवाजे से निकल के डेस्टिनेशन पॉइंट के दरवाजे तक केवल रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं, किसी भी दूसरे मोड से नहीं पहुंच सकते। सुशील जी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, आपको कंक्लूड करना होगा आज, बस लास्ट कंप्लीट है सर जी। नेक्स्ट, रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फीडर सर्विस के रूप में। आप चाहे एयरपोर्ट जाना चाहे, चाहे वाटर वेज के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन अवेल करना चाहे, आप पैदल चल के नहीं जा सकते, उसके लिए आपको लोकल बस सर्विसेज लेनी होती है, आपको ऑटो सर्विसेज लेनी पड़ती है, बाइक से जाते हैं। So, feeder service के रूप में केवल रोडवेज ही अपना रोल प्ले कर सकता है। So, these are the significance of roadways, and जैसा कि already बताया कि भारत में रोड नेटवर्क जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूएसए, एंड भारत में रोड डेंसिटी जो है वह 1.8 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहाँ रोड डेंसिटी है। सो आज के इस सेशन में इतना ही है, आगे के बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं। एक लास्ट पॉइंट में जाते जाते बोलना चाहता हूँ, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इनका मेंटेनेंस बार बार करने की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रोडवे जो है जर्नी उतना कंफर्टेबल नहीं होती है। सो बच्चों, आगे के टॉपिक में हम रेलवे और डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के भी डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही कहा, तमाम सारी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, और उसी की वजह से हमें ये समझना होगा कि ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कितने महत्वपूर्ण है, और खासकर हमारी इकोनॉमी में इनका क्या रोल है। सुशील जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। हमारा ये सोशल साइंस का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, और जाने से पहले मैं आपके साथ एक G20 से जुड़ी हुई आवश्यक सूचना जरूर साझा करना चाहूंगा, विच इज वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड द G20 presidency and will convene the G20 leaders summit in the country for the very first time in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family.
तो इस संदेश के साथ मैं अपना ये यहाँ अपना सेशन हम यहाँ समाप्त करेंगे सोशल साइंस का, और साइंस का सेशन हम जल्दी ही लेकर आएंगे जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ई विद्या चैनल्स, अभी थोड़ी देर में हाजिर होते हैं, तब तक जुड़े रहिए। नमस्कार।